हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि आज एक हमारे पास एक वॉच है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम आज रिपेयरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से वॉच है और ये काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप। उसको आज हम रिपेयरिंग करेंगे, देख सकते हैं। तो चलो उसको हम खोल लेते हैं पहले। तो आप इसी तरीके से एक वॉच रिपेयरिंग किट मिलता है, तो उसे आप खरीद के उसे आप आसानी से खोल सकते हैं। तो इसको पहले ऐसे तरीके से इस कोने में दे देना है, उसके बाद थोड़ा सा जोर से प्रेस करना है और थोड़ा सा मूव कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये खोल चुका है। एक घंटा पहले से वो रिपेयरिंग किसी ने किया था, तो ये दे दिया है। तो उसको हम फेंक लेते हैं पहले, उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाद में लेगा तो उसे हम फिटिंग भी कर देंगे उसके अंदर। उसको पहले ये प्लास्टिक है उसे निकाल लेते हैं। उसके बाद हमको इसी तरीके से एक ट्यूजल लेना है। ट्यूजल लेके उसका भी देखो, ये जो बैटरी का सेक्शन है इसी के पास एक पिन जैसा लगा हुआ है, उसको हम साइड कर देंगे तो बैटरी बाहर निकल आएगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद ट्यूजर की मदद से हम ऐसे निकाल लेंगे बैटरी को। बैटरी को निकालने के बाद इसके पीछे एक नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी का नंबर दिया है। इसी साइज का बैटरी आपको लेना है, आपको ये जो नंबर वाला बैटरी दुकान में जाके खरीद लेना है और उसके बाद इसको लगा देना है, ठीक है भाई। तो इसी को हम साइड कर देते हैं, ये पुराना बैटरी है। और आप ये देख सकते हैं कि इसी तरीके से बैटरी पैकेट पैकेट में आता है। तो बस आप एक एक खरीद लेना है, 10 रुपये 20 रुपये का लगेगा। इसे हम एक बाहर निकल लेते हैं पहले, ये देख सकते हैं ये हमारा बैटरी है, इसको हम यहीं पे लगाएंगे। ये भी देख सकते हैं आप, सेम इसी तरीके से नंबर लिखा हुआ है यहीं पे, देखो देखो 626SW। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप थोड़ा ब्लोर हो जा रहा है, तो वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। वही आप इसी नंबर 626SW लिखा हुआ है ना, वही नंबर लेके आप दुकानदार से खरीद सकते हैं। इसके बाद इसको हम यहीं पे लगा देते हैं, बस जस्ट कुछ नहीं करना है। यहीं पे लगा के ऐसे स्प्रिंग वाले में इसे थोड़ा सा दबा देना है। देखो ये हमारा बैटरी लग चुका है, और हम इसे पीछे देखेंगे, देखो हमारा घंटा चालू हो रहा है। मतलब उसका बैटरी का प्रॉब्लम था, इसीलिए हमने ये रेडी कर दिया है। इसको हम वापस फिर ये जो प्लेट है, प्लास्टिक का प्लेट है, ये ऐसे लगा देना है। देखो ये आराम से फिट हो गया। उसी वक्त ये जो कैप है इसे लगा लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारा घंटा प्रॉपर चालू हो रहा है। अब उसका हम एडजस्ट कर लेते हैं, वो जो टाइम होता है उसका हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा घंटा प्रॉपरली रेडी हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि ऐसा वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। हम मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।